सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष शर्मा आज आपको बताऊंगी कि 2023 में वृषभ राशि वालों का वार्षिक राशिफल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम जानेंगे नया साल 2023 क्या नई उम्मीदें, क्या नए सपने, क्या नई चुनौतियों का वर्ष होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल। राशि चक्र की दूसरी राशि है। इस शब्द का अर्थ है बैल या सांड होता है। इंग्लिश में इसे टेरेस कहते हैं। इसका विस्तार 30 अंश से 60 अंश तक होता है। कृतिका नक्षत्र की अंतिम तीन चरण, रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण तथा मृगशिरा नक्षत्र के पहले दो चरण मिलाकर वृषभ राशि का निर्माण करते हैं। इस राशि का स्वामी शुक्र है, राम और चंद्रमा जब इस राशि में गोचर करते हैं तो वे उच्च के कहे जाते हैं। केतु जब इस राशि में गोचर करते हैं तो वह नीच का कहलाता है। इस राशि का स्वभाव स्थिर है। इसे सौम्य शनि सौम्य राशि मानी जाती है। इस राशि का तत्व पृथ्वी है, गुण राजसी है, जाति वैश्य है। यह रात्रि में बलि होती है। दक्षिण दिशा में की स्वामी है। बात संबंधी रोग इस राशि की वजह से होते हैं। शरीर में गला और मुख पर होने वाली सभी क्रियाओं का असर इस राशि पर देखा जाता है। इस राशि के लोग अपने में डूबे रहते हैं। विद्या की आकांक्षाएं रखने वाले होते हैं तथा अपने कार्य को समय पर निपटाने वाले होते हैं। वर्ष के प्रारंभ में गुरु मीन राशि में रहेंगे। 20 अप्रैल 2023 से मेष राशि में गोचर करेंगे। 16 सितंबर 2023 से गुरु मेष राशि में वक्री होंगे तथा 23 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। इसी प्रकार शनि वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे तथा 20 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जून से शनि कुंभ राशि में वक्रीय होंगे। 24 अक्टूबर से शनि कुंभ राशि में मार्गीय हो जाएंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि में रहेंगे। दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को राहु वक्रीय चाल चलते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे तथा पूरे वर्ष भर मीन राशि में ही रहेंगे। अन्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र आदि महीने के अनुसार बदलते रहेंगे। अब हम जानेंगे धन से संबंधित जानकारी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में तथा सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अप्रैल के बाद में आपके खर्च में बड़ी वृद्धि होगी। यह खर्च किसी शुभ कार्य के लिए होगा। आप अपनी सुख सुविधा वाली कोई चीज़ खरीद सकते हैं। इसके अलावा घर में कोई विवाह या का प्रयोजन होगा, उसमें भी खर्च हो सकता है। अब हम बात करेंगे भाग्य से संबंधित जानकारी की। तो वर्ष के प्रारंभ में आपको भाग्य से काफ़ी मदद मिलेगी। आपके बहुत सारे कार्य कम परिश्रम के संपन्न होंगे। इसके उपरांत भाग्य से आपको मदद करना कम हो जाएगा। जून 2023 से अक्टूबर 2023 तक आपको केवल अपने परिश्रम पर यकीन करना होगा। इस प्रकार भाग्य के सहारे स्थान पर आपको परिश्रम का सहारा ज़्यादा लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि 2023 में करियर से संबंधित जानकारियों के। तो वर्ष के प्रारंभ में कार्यस्थल पर आप पर कोई विशेष ध्यान नहीं देगा, परंतु फरवरी के महीने पर आप अपने कार्यालय में एक चमकते हुए सितारे की तरह कहलाएंगे। आपको अपने स्थान से हटाने का कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको पहले ही सावधान रहना पड़ेगा। फरवरी से मई तक का अधिकारीगण आपको विशेष तवज्जो देंगे। जून से लेकर अक्टूबर तक अधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर नहीं रहेगी। अतः इस अवधि में आपको अपने जलने वालों से सावधान रहना पड़ेगा। अब हम जानेंगे परिवार से संबंधित जानकारी। तो वर्ष के प्रारंभ के दिनों में आपके अपने माता पिता से प्रचुर स्नेह मिलेगा। फरवरी के महीने के बाद में आपकी माताजी या पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी आने के चांसेस है। सभी परिवार के लोग उस कारण परेशान रह सकते हैं। माताजी का स्वास्थ्य अगस्त और सितंबर के महीने में अच्छा रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में यह संभव है कि आपके भाई बहन आपके साथ पूर्ण सहयोग कर सकते हैं, परंतु अप्रैल के बाद में इस सहयोग में कमी आ जाएगी। मार्च और अप्रैल के महीने में आपकी संतान से आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा। आपकी संतान के लिए अक्टूबर का माह अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी की। तो वर्ष के प्रारंभ के दिनों में आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम सा रहेगा। अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे व्यापार से संबंधित जानकारी की। तो आपका व्यापार
वर्ष के प्रारंभ के दिनों में थोड़ा धीमा हो सकता है, परंतु वर्ष के मध्य से आपके व्यापार में तेजी आएगी। यह भी संभव है कि आप कोई बड़ा व्यापार प्रारंभ करेंगे, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई पूंजी निवेश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकान से संबंधित या सुख सुविधा से संबंधित जानकारी की। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस वर्ष अप्रैल महीने के बाद वृषभ राशि के जातक अपनी सुख सुविधा वाली कोई वस्तु जैसे मकान, कार, एयर कंडीशनर आदि खरीदेंगे। इस बात की ज़्यादा संभावना है कि सितंबर और अगस्त के महीने में खरीद सकते हैं। अब हम जानेंगे वार्षिक उपाय के बारे में। तो हर चीज़ के अलग अलग उपाय होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे केवल विषय विशेष के लिए कि जैसे अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं और किसी कारणवश आप मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको भगवान सूर्य को जल अर्पण करना है। अपने पूर्ण कष्टों का निवारण के लिए आपको चाहिए कि हर महीने के प्रथम सोमवार को भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, यह पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।